हे गाइस, सो वैसे ना आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। अभी तो बहुत झाड़ू जैसे हो गए, क्योंकि मैंने 2 3 लगभग 4 1 दिन से मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया। सॉरी, बीच में ना मुझे कोई आया था तो मुझे रोकना पड़ा। एक कुछ छोटा सा पार्सल आया है, डैडी के फ्रेंड ने कुछ भेजा है शायद, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या है। पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन लेट्स सी। सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं। इसे मुझे कैची से काटना पड़ेगा कि इसमें क्या आया है। कट क्यों नहीं रहा? ये लोग ना, डैडी के जो फ्रेंड है वो पारसी है और वो बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं। ओ माय गॉड, इसमें पूरन पोली है शायद, जो मुझे वो आंटी की बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी कट करके देती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि मुझे ये खाना है, और ये थैंक यू सो मच अंकल, ट्राई करके देखते हैं। मुझे अंकल जब भी ये भेजते हैं पूरन पोली, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ऐसा, पूरन पोली जो दाल का स्टफिंग होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही आंटी जब बना के भेजते वो ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे कितने दिनों से ये खाने का मन था। थैंक यू सो मच। तो हाँ, मैंने ना 2 3 दिन से हेयर वॉश नहीं किए, तो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। लेकिन अब भी ना 11 o'clock हो गए हैं और मुझे एक मेरी मासी के यहाँ पूजा में जाना था, तो अभी मैं हेयर वॉश नहीं करती। अभी मैं पहले रेडी हो जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं मेरे हेयर की केयर कैसे करती हूँ। तो चलिए, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने किसी साड़ी वियर की है, क्योंकि हम पूजा में जा रहे हैं। और ये इयररिंग अभी बाकी है, लेकिन वो लास्ट में मैं पहनूंगी। मैंने इतना सिंपल मेकअप किया, नो मेकअप लुक के बराबर, फिर भी मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है। और हाँ, नेल पॉलिश तो हमने किया ही नहीं, और फोन भी आ गया है, वो लोग आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मम्मा, तो हमें निकलना है। तो मैं फटाफट से नेल पॉलिश कर लेती हूँ। 6 hours later। हे गाइस, तो मैंने एक अच्छा सा नैप ले लिया है, 1 to 2 hour का। और अब मैं अपने बालों के साथ जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो जिस भी दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन से सिर्फ एक दिन पहले या फिर उसी दिन 2 से 3 घंटे पहले मैं अच्छे से बालों में ऑयल कर लेती हूँ, और ऑयल से चंपी भी, ऑयल लगा के चंपी भी कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत आलस आ रहा है, तो मैं मम्मा के पास कराऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं, इतनी सांस क्यों फूल रही है मेरी पता नहीं, पहले तो मैं बालों में, अभी मैं 100% प्योर कोकोनट ऑयल जो आता है ना, वो पैराशूट वाला, वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा कोई भी ऑयल सूट ही नहीं करता है। तो मैं मम्मा किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, शायद मामा से या मामी से। तो पहले मैं उनके फ्री होने के वेट करती हूँ, और उसके बाद उनसे चंपी करवाती हूँ। तब तक के लिए मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ, शाम के डिनर की तैयारी। यहाँ पे मैंने आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज, इसे क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक और भिंडी सब ले लिया है, क्योंकि आज मेरे घर पे बनने वाला है सांबार।
इडली और सांभर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से चम्पी कराने के बाद यहाँ पे मैं अभी चोटी बनवा रही हूँ और चोटी बनाने के बाद सो जाएंगे। गुड नाइट, मैं मिलूंगी आपसे कल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने रात को ही चोटी बनवा ली थी मम्मा के पास, तो अभी मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे समर में, तो इसीलिए मैंने ऑनियन वाला शैम्पू मंगाया था नायका से। तो सबसे पहले मैं वाव शैम्पू से मेरा हेयर वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद कंडीशनर जो आपको लगाना ही लगाना है, कंडीशनर आपको कभी भी, कंडीशनर भी मैं वाव का ही यूज़ करती हूँ। अगर आपने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या हेयर कलर या हाईलाइट कुछ भी करवाया हो तो आपको कंडीशनर यूज़ करना ही करना है, तभी आपके बाल नरिश्ड रहेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ, शैम्पू कंडीशनर करने से पहले और करने से बाद अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो ये एक कुछ और मैं बताती हूँ। ये वाव का जो 10-in-1 मेरिकल टोनर है जिसे हम फेस पे अप्लाई करते हैं, वो आप अपने हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इसे शैम्पू करने से पहले अपनी स्कैल्प में स्प्रे करना है, इससे आपको डल, ड्राई या डैंड्रफ वाले हेयर से छुटकारा मिलेगा। स्कैल्प में स्प्रे करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट मसाज करना है, और इसके बाद नॉर्मली वॉश करके आप जो भी शैम्पू कंडीशनर करते हो उसे कर लेना है। और शैम्पू करने के बाद आपको इसे वापस से अपने बालों में स्प्रे करना है, और 2 से 3 मिनट ऐसे ही रब करने के बाद आपको फिर से हेयर वॉश कर लेना है। इससे आपके हेयर बहुत शाइनी होंगे, इसे आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और हेयर पे भी। तो है ना ये 2-in-1। तो चलिए अब मैं हेयर वॉश करके आती हूँ और फिर दिखाती हूँ मेरे हेयर कैसे हुए हैं। हे गाइस, तो मैंने हेयर वॉश अच्छे से कर लिया है और इसका भी इस्तेमाल किया है। वैसे मैंने भी आज पहली बार ही इस्तेमाल किया है, तो हम बाद में जब मेरे बाल ड्राई होते हैं तब रिजल्ट देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको कभी भी अपने बालों को ड्राई करने के लिए टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने सिर्फ मेरी एक पुरानी सी टी शर्ट ले ली है और इससे ही बाल को मैं ड्राई करने वाली हूँ। और हाँ, इसे तो आप मैं फेस पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। हे गाइस, तो अब मेरे हेयर अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ये स्ट्रिक्स का ही सीरम अच्छा लगता है। 2-3 पंप लेके मैं अच्छे से बालों पे अप्लाई कर लेती हूँ। जब तक मैंने हेयर वॉश किए हो और जब तक मैं हेयर सीरम अप्लाई ना करूँ तब तक मैं बालों में कंघी नहीं लगाती, क्योंकि उससे हेयर ज़्यादा टूटते हैं हमारे। अब मैं हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी और इसके बाद ऐसे ये उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी सी
इसमें जो स्पेस रहती है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोम्ब लेके मैं जिससे मेरे बाल जल्दी से सुलझ जाए, नीचे से थोड़े थोड़े बाल करके ऊपर तक कोम करती हूँ। इससे हमारे बाल जल्दी उलझ सॉरी सुलझ जाते हैं। और ये देखो दैट्स इट। अभी इस साइड के भी कोम कर लेते हैं। ये देखो साइन। अभी कोम करने के बाद मैं मेरे बालों को जो अंदर से थोड़े बहुत गीले हैं उसे अच्छे से सुखा लूँगी नेचुरली। ना ही मैं कोई भी ड्रायर यूज़ कर रही हूँ और ना ही फैन कूलर के नीचे, नहीं मैं नेचुरली ही अपने बालों को सूखने देती हूँ और इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। और वैसे देखो कितने मस्त शाइनी शाइनी हो गए हैं मेरे हेयर। और हाँ एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, देखो मेरा कितना हेयर फॉल हुआ है, सिर्फ एक या दो हेयर। तो आप भी इसी तरह से अपने हेयर की केयर करना, इतना हेयर फॉल तो चलता है, सिर्फ एक या दो हेयर मेरे टूटे हैं। हे गाइस, तो फाइनली आप मेरे ड्राई हेयर देख सकते हैं कितना शाइन कर रहे हैं और नो टेंगल। और देखो इतने स्मूथ है ना, सॉफ्टी सॉफ्टी। और हाँ जो मैंने टोनर जो मैंने भी पहली बार अप्लाई किया है उससे ना मेरे बालों में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे बालों में इस बार कुछ भी हेयरफॉल नहीं हुआ सिवाय एक दो बाल के, कोई हेयरफॉल नहीं था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।